आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आपसे मैं एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं जिस केस में मैं अपीयर हुआ था पिटिशनर की तरफ से, और ये केस डिसाइड किया गया है एनजीटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के द्वारा। इस केस में स्टोन क्रेशर के ऊपर 7.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई, और ये जो मामला था ये था आरती शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से। साथियों, मैं इस केस में पिटिशनर की तरफ से अपीयर हुआ था और हमने ये जो केस फाइल किया ये एनजीटी प्रिंसिपल बेंच में फाइल किया था, और हमने रिक्वेस्ट किया था चूँकि स्टोन क्रेशर जो है तो स्टोन क्रेशर मनमानवी पूर्वक संचालित किया जा रहा है, वो इन्वायरमेंटल गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, कोई ग्रीन बिल्ट एरिया डेवलप नहीं किया गया है, कोई वहाँ पे रोड डेवलप नहीं की गई है, नदी में माइनिंग की जा रही है, लीगल माइनिंग की जा रही है, बोरवेल डक जो है वो सूखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रिलीफ को लेकर के केस फाइल किया गया था। इस केस में जो पिटिशनर थी उनके द्वारा पहले इसकी शिकायत की गई लोकल लेवल पे। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप सबसे पहले जहाँ कहीं भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, कोई फैक्ट्री कोई कंपनी कर रही है, सबसे पहले आप लोकल लेवल पे उसी कंप्लेन करें। बेहतर हुआ कि SDM को करें या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में शिकायत करें। इस केस में पिटिशनर ने यही किया था। उसके बाद ये मामला उन्होंने इस मामले में जितने भी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं सभी तक उन्होंने बात पहुंचाई, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। कई बार ऐसा होता है कि ये साठ गांठ होती है इनके आपस में, इसलिए कई बार ऑफिसर एक्शन नहीं लेते हैं। इस मामले में जब हमने ये केस फाइल किया, केस फाइल करने के दौरान हमने अलग अलग तरह से कोर्ट से रिलीफ मांगी और कोर्ट को बताया कि कैसे कैसे ये लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, साथ में स्टोन क्रेशर संचालित कर रहे हैं। जैसे ये लोग जो वेस्ट आइटम है उसको नदी में डिस्पोज कर दे रहे हैं, इनके द्वारा जो डस्ट कंप्रेसर होता है उसको उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो वाइंडिंग बॉल होती है उसको उन्होंने नहीं लगाया है, और साथ में जो ग्रीन बिल्ट एरिया है उसको डेवलप नहीं किया। इस तरह से जो C2O होता है, कंसेंट टू ऑपरेट होता है, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या होता है जब ये स्टोन क्रेशर कोई व्यक्ति स्टैब्लिश करता है तो उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए वो आवेदन करते हैं, आवेदन में उनको काफ़ी सारी जानकारी देना पड़ता है, जैसे कि ह्यूमन हैबिटेशन है कि नहीं है, नदी कितनी दूर है, वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है जैसे स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे वो कितनी दूर है, वहाँ से फॉरेस्ट एरिया कितनी दूर है, वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह है उसकी दूरी कितनी है। तो इस प्रकार से अलग अलग इनको जानकारी देनी पड़ती है, उसके बाद इनको परमिशन मिलती है। और कई बार ये जानकारी गलत देते हैं, और साथ में जब इनको परमिशन दी जाती है तो कुछ कंडीशन भी इम्पोज की जाती है, जैसे कि आपको ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप करना है, जैसे कि आपको डस्ट कंप्रेसर यूज करना है ताकि डस्ट ना फैले, आपको वॉल यूज करना है ताकि जो प्रदूषण है वो बाहर ना जाए, इसके अलावा जो डिस्चार्ज आइटम जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो प्रोसेस में जो डिस्चार्ज मटेरियल है उसको आप ETP के जरिए या किसी दूसरे साइंटिफिक मैटर से ही आपको डिस्पोज करना है, आपको कहीं खुले में उसको नहीं फेंकना है। इस तरह से अलग अलग कंडीशन इम्पोज की जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब हमने शिकायत किया, जब हमने केस फाइल किया NGT में, तो NGT ने कहा कि इसमें ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी जाती है। ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ, ज्वाइंट कमेटी ने जब जांच किया, ज्वाइंट कमेटी ने पाया कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, साथ में ही कुछ माइनर पेनल्टी इम्पोज की गई थी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। कितनी? 17,500 रुपये एक के ऊपर और एक के ऊपर 7.5 लाख रुपये। जब ये ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई NGT दिल्ली प्रिंसिपल बेंच के समक्ष, तो हमने उस पर आपत्ति लिया, हमने कहा कि ये गलत है, पेनल्टी के ऊपर और भी इम्पोज की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो नियम है उसका उल्लंघन किया और पेनल्टी बहुत कम है। इस पर प्रिंसिपल बेंच ने इस प्रयास को स्वीकार करते हुए उस पर एक एक्स जज जो कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, उनको नियुक्त किया, और साथ में उनको जांच करने का के लिए उनसे कहा। तो उन्होंने जब जांच किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे उल्लंघन किया जा रहा है, यहाँ पे जो मानक जो तय किए गए हैं C2O के जो गाइडलाइन होती है उसके अंतर्गत, तो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। साथ में ही उन्होंने पाया कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को बुरी तरह से पॉल्यूट किया गया है, जिस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया। जिसके बाद कोर्ट ने ये पाया, NGT कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो उन्होंने ये पाया कि इस मामले में पहली बात तो ये कि ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बनती है कि आप जांच करते रहें। अब जब पिटिशनर ने अप्रोच किया 2 साल के बाद, जब ये सब कुछ देखने के बाद, तब आप जागे, तब आपने देखा कि हाँ गलत हो रहा है, तब जाके आपने पेनल्टी इम्पोज किया।
इस प्रकार से एनजीटी ने पाया कि यहाँ पे चूंकि ग्रॉस वायलेशन किया गया है, ना तो ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप किया गया है, डस्ट जो सब जो डस्ट कंप्रेसर होता है उसको भी नहीं लगाया गया है, वाइंड वाल नहीं लगाई गई है, साथ में ही इसके अलावा जो SPM होता है, SPM कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये रिपो एक जो पॉल्यूटेंट होते हैं जो निकलते हैं किसी भी क्रशर से या किसी माइनिंग से, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि पीरियोडिकली जमा की जाती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। वो उन्होंने किया नहीं कि हम कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इस पर NGT ने पाया कि हाँ इन्होंने ग्रॉस वायलेशन किया है, इसलिए इनके ऊपर जैसा कि काफ़ी सारे जजमेंट है, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इस तरह के काफ़ी सारे जजमेंट हैं जो कि इन्वायरमेंट कंपनसेशन की बात करते हैं, जिसके आधार पर इन दोनों क्रशर के ऊपर 7.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई अलग अलग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन, सबसे पहले तो आप उसकी शिकायत करें आसपास जो भी अथॉरिटी है, चाहे STM हो या फिर कलेक्टर हो, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में शिकायत करें। उसके बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आप NGT अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आप NGT अप्रोच करने से पहले आप RTI के माध्यम से सारी जानकारी इकट्ठा कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि इस संस्था को, इस स्टोन क्रशर को कौन कौन सी परमिशन मिली है, वो कब तक के लिए वैलिड है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इस मामले में भी दोनों स्टोन क्रशर के पास कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट था, मतलब परमिशन तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये वायलेशन कर रहे थे। तो आप जब RTS जानकारी इकट्ठा करेंगे कि पास परमिशन कौन सी है, तो उसमें साथ में कंडीशन भी इम्पोज की जाती है जो उसमें लिखी होती है। तो आप उन कंडीशन को देखें कि इनको क्या क्या पालन करना चाहिए और इन्होंने क्या क्या उल्लंघन किया है, तो उसके आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पर ये गलत कर रहे हैं। अगर आप सिंपल एप्लीकेशन फाइल कर देंगे कि ये तो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आपको सबूत देना पड़ेगा कोर्ट को। आपको अपने, जैसा कि हमारे यहाँ एक लीगल मैक्सिम है कि पिटिशनर हैव टू स्टैंड हिज ओन लेग, आपको खुद साबित करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। आपके पास एटलीस्ट कुछ फैक्ट तो हो जो ये प्रूव करें कि हाँ यहाँ पे गलत है। अगर आप सिंपली कह देंगे कि यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, चूंकि स्टोन क्रशर तो पोल्यूशन तो हो गए, लेकिन वो नॉर्म्स से भी, जो नॉर्म्स बताए गए हैं उसके बियॉन्ड जा करके पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, आपको ऐसा बताना पड़ेगा। जजमेंट का लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों।